26 अक्टूबर 2023 को चाइना में एम आई 14 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया और इस सीरीज में ना एम आई 14 एंड एम आई 14 प्रो को लाया गया है, जिसका डिजाइन कैमरा वगैरह यार बहुत ही मस्त होने वाला है। और इसमें जो चिपसेट का यूज किया गया है वह स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, जो कि ये इंडिया का पहला चिपसेट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में एम आई 14 एंड एम आई 14 प्रो के डिफरेंस के बारे में जानेंगे और यह इंडिया में किस प्राइस पर लॉन्च होने वाले इसके बारे में भी बातें करेंगे। तो सच बताओ तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, लेकिन हाँ बिना स्किप किए हुए। सबसे पहले बातें करते हैं इसकी डिजाइनिंग एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो देखिए एम आई 14 एंड एम आई 14 प्रो यार काफी प्रीमियम है, दोनों के बैक साइड में आपको ग्लास देखने को मिलेगा। लेकिन यदि यहाँ पे आप लोग एम आई 14 के बारे में देखेंगे तो इसमें आपको ग्लास के अलावा ना सिलिकॉन पॉलीमर बैक भी आता है, तो जिसे आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर पाओगे। और बॉडी फ्रेम की बातें करें तो इन दोनों में आपको एल्युमिनियम का बॉडी फ्रेम देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप लोग यहाँ पे आप लोग 14 प्रो को देखेंगे तो इसमें आपको एल्युमिनियम फ्रेम के अलावा इसमें आपको टाइटेनियम बॉडी फ्रेम भी देखने को मिलता है, तो इसे भी आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर पाओगे। एम आई 14 प्रो आपको थोड़ा बड़ा और हैवी वेट देखने को मिलेगा, जिसका वेट है 223 और 230 ग्राम के साथ आता है। MI 14 में 6.36 इंच OLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और इसमें आपको 3000 का पीक ब्राइटनेस देखने को मिला, जो कि यार बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। और इन सभी के अलावा इसमें डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। और यदि आप लोग यहाँ पे 14 प्रो को देखेंगे तो इसमें आपको 6.73 इंच का AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है यार, जिसकी स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा बड़ी होने वाली है। यदि आप लोगों को छोटा फ़ोन पसंद है ना, तो आप लोगों के लिए MI 14 बेस्ट हो सकता है। अब देखिए इस फोन का इतना ज्यादा हाइप बना हुआ है इसके प्लेटफॉर्म के लेके, तो देखिए ये दोनों फोन एंड्रॉइड 14 बेस्ड है, ये जो हाइपर ओएस के साथ आता है, लेकिन इसमें स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 का यूज किया गया है, जो कि यार ये इंडिया का पहला चिपसेट होने वाला है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये चिपसेट काफी ज्यादा दमदार होने वाला है, इसमें आप लोग BGMI, फ्री फायर एंड कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह 90 FPS पे खेल पाओगे। और इसके चिपसेट के बारे में आप लोगों को एक बात यह भी बताना चाहूंगा, इसमें हाईएस्ट वीडियो कैप्चर 8K 30 FPS तक का सपोर्ट करता है। और इधर मार्केट में एक नया और फोन आने वाला है iQOO 12, इसमें भी स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 का यूज किया गया है, तो आने वाले वीडियो में iQOO 12 एंड MI 14 दोनों का कंपैरिजन वीडियो भी लेके आएंगे, तो चैनल को ना आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसके कैमरा के बारे में आप लोगों को बताओ तो इन दोनों में आपको 50+50+50 मेगापिक्सल का ना ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपका फर्स्ट वाला 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा विथ OIS सपोर्टेड आपको देखने को मिलेगा, और इसका जो सेकंड वाला ये भी आपको 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको 3.2x ऑप्टिकल जूम दिया गया है। तो यदि आप लोगों को नहीं पता कि टेलीफोटो वेब कैमरा कैसा काम करता है, तो आप लोग आई बटन पर टैप करके ना ये वाले वीडियो को देख सकते हैं, इसमें मैंने S21 FE का टेलीफोटो कैमरा का सैंपल आप लोगों को दिखा गया, तो आप लोग जरूर से देखिएगा। और इसका जो तीसरा वाला कैमरा है ये भी आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इन दोनों के कैमरा में यार कुछ खास ज़्यादा डिफरेंस वगैरह देखने को नहीं मिलता है। और यदि आप लोग इन दोनों से हाईएस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहें तो आप लोग 8K 24 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो यार, जो कि अलग ही लेवल होने वाला है। और इसकी सेल्फी कैमरा के बारे में बताओ तो दोनों में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, और इससे आप लोग हाईएस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर पाओगे। अब इसकी साउंड की बात करें तो इन दोनों में आपको लाउड स्पीकर विथ स्टीरियो स्पीकर से देखने को मिल जाएगा, लेकिन इन दोनों में 3.5mm जैक हटा दिया गया है। और गाइस मैं आपको बता दूं, अब जितने भी मतलब नए नए फोन्स वगैरह आ रहे हैं सभी में ज़्यादातर फोन में 3.5mm जैक को रिमूव ही कर दिया जा रहा है। अब इसके कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में आप लोगों को बताओ तो इन दोनों में आपको NFC, इंफ्रारेड एंड डिन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वगैरह देखने को मिल जाएगा, लेकिन हाँ अब इन दोनों से FM वाला ऑप्शन हटा दिया गया है। अब इन दोनों फोन की खास बात यह भी है कि इसकी बैटरी और चार्जिंग, तो MI 14 में 4610mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 90W वायर चार्जिंग को सपोर्टिंग करता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको फोन फुल चार्ज होने में ना सिर्फ 31 मिनट ही लगेगा, और इसमें आपको 50W का वायरलेस एंड 10W का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट आता है। अब यदि आप लोग यहाँ पे 14 प्रो को देखेंगे तो इसमें आपको 4880mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 120W वायर चार्जिंग को सपोर्टिंग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका फोन फुल चार्ज होने में सिर्फ 18 मिनट लगेगा, लेकिन गाइस इतना कम नहीं लगता, 18 मिनट में आपका हाँ 80% तो कन्फर्म चार्ज हो ही जाने वाला है, थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लेगा। और इसमें आपको 50W का वायरलेस एंड 10W का वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्टिंग करता है। अब यदि मैं आप लोगों को इसके प्राइस के बारे में बताऊं तो देखिए ये इंडिया में किस प्राइस पे लॉन्च होने वाला है ये कंफर्म बताना तो मुश्किल है, लेकिन मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह रीड किए तो ऐसा जाके पता चल रहा है MI 14 की प्राइस अप्रॉक्स 45,000 के आसपास रहने वाली है। और यदि आप लोग 14 प्रो को देखेंगे तो इसकी प्राइस 55,000 के आसपास रहने वाली है।
तो यदि मैं आप लोगों को यहाँ अपना ओपिनियन दूँ तो यार देखिए ये फ़ोन की प्राइस बहुत ही ज़्यादा है ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन इन दोनों फ़ोन की बेस्ट में बात करूँ कि दोनों फ़ोन में अच्छा कौन सा है, तो मुझे MI 14 बेस्ट लगा क्योंकि दोनों में कोई खास ज़्यादा डिफरेंस तो है ही नहीं। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट्स करके आप लोग जरूर से बताइएगा, और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो एक प्यारा सा लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कीजिएगा। इसी तरह से आप लोग प्यार बनाए रखिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को किस फोन के बारे में डिटेल्स रिव्यू जानना है वो भी आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।